आज की इस वीडियो के अंदर हम ये सीखेंगे कि GW बेसिक में 10 टाइम नेम कैसे प्रिंट कराया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा GW बेसिक है। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लाइन नंबर्स लिखेंगे, जैसे 10, 10 पे CLS और 20 के अंदर हम लिखेंगे प्रिंट लिखेंगे। उसके बाद स्पेस देने के बाद हम इन्वर्टेड कॉमास लगा के अपनी हेडिंग लिखेंगे, प्रिंट नेम्स 10 टाइम्स। उसके बाद 30 पे हम लिखेंगे फॉर ए इक्वल्स टू 1 to 10। 40 पे हम लिखेंगे प्रिंट ए, कॉमा लगाएंगे और जो नाम हमें प्रिंट करना है, फॉर एग्जांपल जैसे मेरा नाम है अली रजा, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास बंद करेंगे, इंटर। 50 पे हम लिखेंगे नेक्स्ट ए, ठीक है, उसके बाद इंटर। उसके बाद लिखेंगे रन इसका आउटपुट देखने के लिए, इंटर करेंगे। आप देखेंगे कि फाइनल आउटपुट आ गया। CLS करेंगे, क्लियर द मॉनिटर स्क्रीन हो जाएगा। ठीक है, इस फाइल को दोबारा आपको देखना है, LIST लिस्ट लिखेंगे, इंटर करेंगे, ये आ गई। दोबारा अगर आपको आउटपुट देखना, आप रन लिखेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, अब इस फाइल को सेव कराना है। सेव कराने के लिए हम क्या करेंगे, SAVE सेव, इन्वर्टेड कॉमास ओपन करेंगे, इसका नाम रखेंगे अली रज़ा, उसके बाद इसका एक्सटेंशन रखेंगे .bas, फिर इन्वर्टेड कॉमास बंद और इंटर। आप देखें उसने फाइल सेव कर दी। अब ये जो फाइल हमने सेव करी है, ये जाएगी कहाँ पर? ये मेरे पास जो है माई कंप्यूटर में जाके मेरी ई ड्राइव के अंदर सेव हुई है। आप ये देख सकते हैं alireza.bas के नाम से। ठीक है, क्योंकि मेरा जो GW बेसिक है उसकी जो एग्जीक्यूटिव फाइल है, उसकी जो मेन फाइल है, ठीक है, वो मेरे पास यहाँ पर ई ड्राइव के अंदर है। जहाँ आपकी ये GW बेसिक की एप्लीकेशन .exe फाइल पड़ी होगी, आप जो भी GW बेसिक में काम करके सेव कराएंगे, वो बाय डिफ़ॉल्ट उसी ड्राइव के अंदर सेव करेगा जिस ड्राइव के अंदर आपकी ये एप्लीकेशन रखी होगी। अगर फॉर एग्जांपल ये आपकी एप्लीकेशन डेस्कटॉप पे रखी हुई है, तो फिर आपकी जितनी फाइल्स हैं वो डेस्कटॉप पर सेव होंगी। अब ये जो फाइल है अली रज़ा, इसको ओपन करना है, तो GW बेसिक में इसे लोड कहते हैं। तो LOAD लोड लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे, अली रज़ा लिखेंगे, एक्सटेंशन साथ ज़रूर लिखेंगे .bas, .bas का मतलब है GW बेसिक, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास बंद करेंगे, इंटर करेंगे। आप देखें ओके लिखा आ गया, लेकिन हमारे पास फाइल जो है वो शो नहीं हुई। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लिस्ट लिखना पड़ेगा, देन हम इंटर करेंगे तो हमारी फाइल शो हो जाएगी।